कोरोना वायरस की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज फरमाए। आमीन। तो भाई सवाल कर रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा, जबकि कुछ सऊदी उलमाए किराम ने इस पर फतवा भी दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। उसका ताल्लुक मैदे के साथ नहीं है और ना ही ताकत के साथ उसका ताल्लुक है। जिस चीज़ का मैदे के साथ और कुव्वत के साथ ना उसूल है तो उसमें जो है वो रोज़े की हालत में किया जा सकता है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम सिंगी वगैरह लगवा लेते थे रोज़े की हालत में, हांडी चख ली जाती है रोज़े की हालत में, गुसल कर लिया जाता है रोज़े की हालत में, मिसवाक कर लिया जाता है रोज़े की हालत में। तो ये सारी वैक्सीन भी उसी हुक्म में है, रोज़े की हालत में लगवाना जायज़ है, इंशाल्लाह रोज़ा ऐसे नहीं टूटेगा। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीने कराम, ये था हमारा आज का लाइव सेशन, हमारा प्रोग्राम नूरे रमज़ान। इसमें सैयद मोहम्मद सुल्तान शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवाल के जवाब दे रहे थे। हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान मुबारक सोमवार और जुमेरात को हुआ करेगा। सोमवार वाले दिन नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे शाम 5 बजे इंशाअल्लाह ताला। आप अहबाब से गुजारिश है अपने सवाल कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में हमें या व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उनमें आप हमें भेजें, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।